हालेलुया। मैं आपको बहुत ही गहरी बातें खुदावंद के कलाम में से बताने जा रहा हूं। मुकाशफे की किताब, जिसे हम रेवलेशन कहते हैं, प्रकाशित वाक्य कहते हैं, उसके 16 बाब की 12 आयत से पढ़ता हूं। सुने ध्यान से। एंड द सिक्स्थ एंजल पोर्ड आउट हिज वायल अपॉन द ग्रेट रिवर यूफ्रेटिस एंड द वॉटर्स देयर ऑफ वाज ड्राइड अप दैट द वे ऑफ द किंग ऑफ द ईस्ट माइट बी प्रिपेयर्ड। छठा जो कटोरा है जिसमें खुदावंद का कहर है, एंगर है, रॉथ है, वो जमीन पे उंडेला जा रहा है और वो क्या करता है, यूफ्रेटिस जो रिवर है जो कवर करता है बेबलोन को, उस रिवर का पानी सूख गया ताकि जो आर्मीज आएगी सिल्क राउट से। आपको मालूम हमारे हिंदुस्तान में से एक सिल्क राउट जाता है अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान और चाइना से होके आता है, एंशियंट राउट है जिसे दोबारा बनाया जा रहा है, जो फिरोजपुर के पास से निकल के जाता है। इस रूट पे फौजें आएंगी और खुदावंद यीशु मसीह के संग लड़ाई करेंगी, आर्मगेडन की बैटल होगी। तो उसकी तैयारी हो रही है 12 आयत में, और 13 आयत में जो आज खास बात आपको बताना चाहता हूं, एंड आई सॉ थ्री अनक्लीन स्पिरिट लाइक फ्रॉग्स, तीन गंदी रुए, तीन भयानक बदरुए, ये कोलोसल मैमल ह्यूमंगस डीमंस हैं। ये छोटी मोटी बदरुए नहीं है, ये बहुत बड़ी बदरुए हैं जो निकल के आ रही हैं। कहां से? आई सॉ थ्री अनक्लीन स्पिरिट्स लाइक फ्रॉग्स कम आउट ऑफ द माउथ ऑफ द ड्रैगन, ड्रैगन के मुंह से निकलती है। ड्रैगन कौन है? शैतान है, असतान, जो अदन के बाग में निखास बन के हवा के पास जाता है। वो दुनिया को खा खा के, खुदावन ने उस सांप को क्या लानत दी थी? खुदावन ने कहा तू अपने पेट के बल जमीन पे चलेगा, शायद खुदावन ने उसकी टांगे या उसके हाथ खत्म कर दिए और वो यूं यूं रेंग के चलता है जमीन पे, और खुदावन ने कहा तू ताउम्र मिट्टी चाटेगा। और आदम को खुदावन ने कैसे बनाया? जमीन की मिट्टी से बनाया। आदम को खुदावंद ने मोरिया पहाड़ की मिट्टी से बनाया। फिर किसी दिन ये भेद की बात करेंगे। वो मिट्टी चाट चाट के चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जिंदगी मिले और कसरत की जिंदगी मिले। हालेलुया। तो वो खा रहा है इंसानियत को, और वो क्या बन गया? ड्रैगन, अजगर बन गया है। उसके मुंह से ये मेंढक निकलता है बदरू, और आउट ऑफ द माउथ ऑफ द बीस्ट। 12 बाब प्रकाशित वाक्य में ड्रैगन निकलता है, 13 बाब की पहली 13 आयतों के अंदर, पहली आयत 3 आयतों में बीस्ट निकलता है, और आउट ऑफ द माउथ ऑफ द फॉल्स प्रॉफिट, और तीसरा है झूठा नबी। ये ट्रिनिटी है, ड्रैगन की अर्थात अजगर की और जंतु की और भाइयों बहनों फॉल्स प्रॉफिट। हालेलुया। और आर्मगेडन की बैटल की तैयारी हो रही है। तो ये है बेबलोन का राज्य और मादी पारसियों का राज्य, यूनान का राज्य, रोम का राज्य, ये सारे मिलके इकट्ठे होके यूनाइट होके आ रहे हैं किसमें? बीस्ट में। अल्टीमेट बीस्ट कौन है? जो आने वाला है। परमेश्वर तलवार भेजता है, अकाल भेजता है, मरी भेजता है, और फिर बीस्ट भेजता है दंड देने के लिए अपने लोगों को। तो ये अल्टीमेट बीस्ट जो आने वाला है। हालेलुया। तो क्या तीनों के मुंह में से फ्रॉग निकल रहे हैं, मेंढक निकल रहे हैं? हालेलुया। आपको मालूम रोमन एम्पायर, रोमन रिपब्लिक, रोमन एम्पायर जो थी वो इवेंचुअली मर्ज होगी रोमन कैथोलिक चर्च में 325 एडी में, निसियन क्रीड के बाद, एडिक्ट ऑफ टॉलरेंस, ये बहुत सी इतिहास की बातें हैं। जूलियस सीजर चौथी सदी तक रहा, और आप जानते हैं पहले नीरो था। नीरो जो था उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूं। नीरो राजा ने परमेश्वर के लोगों को, विश्वासियों को, मसीहों को इतना कत्लो गारद किया और इतनी भैशी और बेरहमी से मारा जिसकी कोई मिसाल आपको मिलेगी नहीं। वो 17 साल की उम्र में रोम का एम्परर बन गया, और आपको मालूम उसने इतना मसीहों को मारा कि 68 एडी में बदरू ने उसको मारा, उसने सुइसाइड कमिट किया। लेकिन मसीहों पे सबसे भयानक परसिक्यूशन, सबसे बड़ा सताव
नीरो लेके आया। आपको मालूम पीटर को जिसे हम पतरस कहते हैं, प्रभु का एक श्रेष्ठ महान दास, उसे रोम में कैद में डाला नीरो ने और उसको क्रूस पे चढ़ाया। लेकिन क्रूस पे चढ़ाने से पहले उसकी ख्वाहिश पूछी कि शायद ये कहेगा मुझे छोड़ दो, लेकिन पतरस ने ऐसा नहीं कहा। पतरस ने अपनी आखिरी ख्वाहिश आपको मालूम क्या कही? पतरस ने कहा नीरो से कि मुझे क्रूस पे चढ़ाओ, लेकिन मैं अपने प्रभु की तरह क्रूस पे चढ़ने के लायक नहीं हूं। मेरा सर वहां पर करना जहां पे मेरे प्रभु के पांव थे। तो नीरो ने पतरस को उल्टा सलीब पे चढ़ाया, जहां पे यीशु मसीह के पांव थे वहां पे पतरस ने अपना सर रखा और अपने प्रेमी उद्धार करता के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया। आपको मालूम उसने परमेश्वर के महान दास पौलुस को पकड़ा, जेल में डाला। नीरो पागल हो गया, वैश्य हो गया। बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं कि लूसीफर नीरो के अंदर घुस गया। लूसीफर बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं घुसता, इतिहास में चुनिंदा लोग हैं जिनके अंदर लूसीफर घुस जाता है। जैसे निमरोद के अंदर घुस गया, जैसे लूसीफर यहूदा इस्करियोती के अंदर घुस गया, जैसे लूसीफर हिटलर के अंदर घुस गया, मुसोलिनी के अंदर घुस गया, वैसे लूसीफर नीरो के अंदर घुस गया। और नीरो ने अपना हाथ बढ़ाया अनकैनी ढंग में मसीहों को मारने के लिए। आपको मालूम सर्कस मैक्सिमस को नीरो ने खुद आग लगवा दी, खुद आग लगवा दी रोम में, और उसका दोष पलूस के सर पे लगवा दिया कि पलूस ने इंसर्जेंसी की है, बगावत की है, और क्रिश्चियनों ने मिलके सर्कस मैक्सिमस को आग लगा दी। सर्कस मैक्सिमस विया डेल सिर्को मैसिमो रोमा, यहां पे रोम में जाएंगे आपको स्मारक मिलेगा इस सर्कस का। इसको आग लगवा दी और लिखा है कि आग लगी थी रोम में और नीरो बांसुरी बजा रहा था, ये कहावत। और इसका दोष मसीहों पे लगाया और प्रेरित पलूस पे लगाया, उसको जेल में डाला गया। और 68 AD में, 68 AD में तो नीरो मर गया, लेकिन 58 to 60 AD के बीच में उसने परमेश्वर के श्रेष्ठ दास का गला कटवा दिया। आपको मालूम नीरो ढूंढता था बहुत ही क्रूर, वैशी और ब्रूटल ढंग यीशु मसीह के लोगों को सजा देने की। वो मसीहों को, दो मसीहों को ऐसे उनकी पीठ बांधता था और वो एक पार्क में बैठता था, बाग में, और रात को लाइट ऑफ कर देता था, और मसीहों को दो दो को बांध के लाते थे, और वो उनके ऊपर तेल डलवाता था मसीहों के ऊपर, फिर जिंदा मसीहों को आग लगा दी जाती थी। पर जब मसीहों के बदन जलते थे, जिंदा मसीहों के शरीर जलते थे, उनकी जो रोशनी पैदा होती थी उस रोशनी में वो मांस खाता और मदिरा पीता था, और अर्ध नग्न औरतें उसके आगे नाचती थी। इसीलिए पतरस, पहला पतरस 4:12 में प्रेरित पतरस लिखता है, हे प्रियो, हे भाइयों और बहनों, विपत्तियों की जो आग तुम्हें लगी है, पंजाबी में लिखा विपत्तियां दा लांबू, वो इशारा कर रहा है नीरो कैसे जिंदा यीशु मसीह के लोगों को बांध बांध के उनपे तेल डाल के जिंदा को जलाता था और उनके जिस्म की आग में अय्याशी करता था, जश्न मनाता था। आप ग्लैडिएटर मूवी देखी होगी आपने। ग्लैडिएटर वो होते हैं जो मर के एक दूसरे को मार के लोगों का मनोरंजन करते हैं। ये ग्लैडिएटर की प्रथा नीरो ने बहुत आगे बढ़ाई और मसीहों को लड़वाता था कोलिसियम के अंदर, और लड़वा लड़वा के एक दूसरे को मारता था। नीरो मसीहों को भूखे शेरों के आगे डालता था, भूखे शेर फाड़ खाते थे। नीरो मसीहों को उबलते तेल में डाल देता था जिसके अंदर उनका पूरा जिस्म, पूरा बदन पिघल जाता था। वाइल्ड बीस्ट, जंगली जंतुओं के आगे डालता था। ग्लैडिएटर की गेम्स, मसीहों को स्लेव्स बना के लड़ाता था। ये रोमन अम्यूजमेंट थी, रोमियो राजाओं का मनोरंजन था। हालेलुया। और मसीहों को क्रूस पे चढ़ा के भी मारता था। तो बदरू इसके अंदर आई और बदरू ने 9 जून 68 को इसको मार दिया। जो सेनेट था ना रोम का, वो इसके विरुद्ध हो गया। हालेलुया। और इसको मार दिया। अब एक थ्योरी बताता हूं आपको।
एक थ्योरी थी जिसे बहुत सारे स्कॉलर मानते हैं कि वो वैलिड है, सच्ची है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये सच्ची है या नहीं, मैंने इस पे कुछ रिसर्च की है। थ्योरी ये बताती है कि नीरो जब मर गया तो विच डॉक्टर ने, जादूगरों ने, ऑकल्ट वाले लोगों ने और डॉक्टर्स ने मिलके नीरो को रिवाइव किया, दोबारा जिंदा किया। तो ये बात फैली कि नीरो जो है वो मुर्दों में से जूट के फिर आएगा और एंटी क्राइस्ट बनेगा। तीसरी सदी तक ये कहानी चलती रही। बहुत सारे जो अर्ली चर्च फादर हैं, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, उसको भी नीरो ने मारना चाहा, लेकिन वो मरा नहीं, वो बलते तेल में डाला, प्रभु ने जिंदा बचा लिया। भूखे शेरों के आगे नीरो ने डाला, शेर परमेश्वर के दास यूहन्ना के पांव के तलवे चाटने लगे। अंत में उसने उसे काले पानी की सजा दी, पतमस के टापू में भेजा, वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। लेकिन उस टापू में प्रभु यीशु आ गया और प्रभु यीशु ने बाइबल की श्रेष्ठ पुस्तक दी यूहन्ना को, प्रकाशित किया। हालेलुया। तो अर्ली चर्च फादर लिखते हैं इस कहानी के बारे में। हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13:3 में कि वो जंतु जो मर जाता है उसका सर पे घाव होता है, लेकिन उसका डेडली वूंड चंगा हो जाता है, वो दोबारा से जी उठता है। तो ये प्रथा कहानी थी, नीरो को बीस्ट के संग जोड़ा गया, वो जंतु के संग जो मरता है, प्रकाशित वाक्य 13:3 में, और फिर जी उठता है। और प्रकाशित वाक्य 17:8 में हम पढ़ते हैं कि वो जंतु जो था, जो अब नहीं है, जो आएगा, जंतु जो था जो अब नहीं है लेकिन फिर आएगा। रेवलेशन 17:8 में एक परमेश्वर के दास थे, एक बिशप थे, वो 3rd सेंचुरी में थे, उन्होंने इसे इंटरप्रेट किया इसी बात को, और अपनी पुस्तक के अंदर भी लिखा इसके विषय में। तो उस समय एक महान कष्ट, पीड़ा, ट्रिबुलेशन, आपको मालूम ये बिशप जो थे इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि शायद ट्रिबुलेशन, जो 7 साल का सताव है, वो आ गया है। क्योंकि जब नीरो मर गया, नीरो के बाद जो अगला रोम का शासक हुआ उसका नाम था डोमिशियन, वो नीरो से भी ज्यादा क्रूर था, नीरो से भी ज्यादा भयंकर था, और नीरो से भी ज्यादा बड़ी बदरुएं उसके अंदर थी। तो विश्वासी सोचते थे शायद वो ट्रिबुलेशन में है, 7 साल के सताव में, और सोचते थे कि जंतु जो है वो पताल में से आने वाला है, अथाह कुंड में से, अबिस में से। मैंने आपको बताया अबसुसो ग्रीक वर्ड है उसके लिए। तो ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर, सीरिया, इराक, ईरान, ये मिलके जो एम्पायर बनती है ना, ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर प्लस सीरिया, इराक, ईरान और नॉर्थ अफ्रीका की जो एम्पायर्स हैं, इसमें से एंटी क्राइस्ट आएगा। हालेलुया। ये जो तीन मेंढकों की भविष्यवाणी है, तीन मेंढकों की, 3 फ्रॉग प्रोफेसी, तो ये फ्रॉग का आइडिया, आपको मालूम फ्रॉग क्या था, जो मेंढक है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेंढक जो है, सुनिए ध्यान से, मेंढक प्राचीन मिस्री लोगों का एक देवता था। आप सुन लीजिए ध्यान से, मिस्री लोग इसे असल में देवी मानते थे, इसका नाम था हेकेक, HEQE की, हेकेक या हेकी, ये फर्टिलिटी की गॉडेस थी। लोगों को बच्चा चाहिए होता था, लोगों के अंदर प्रजनन क्षमता कम होती थी स्त्री या पुरुष में, वो हेकी की, हेकेक की पूजा करते थे, और ये हाथौर की कॉन्सॉर्ट थी, हाथौर की बीवी थी। और आपको मालूम हिंदू शास्त्रों में क्या लिखा है, अगर मेंढक मेंढकी की शादी हो तो इंद्र देवता खुश होता है, और मेंढक मेंढकी की शादी करते हैं ताकि बारिश आ जाए। सुन रहे हैं आप? तो हमारे शास्त्रों में भिकी से कहा गया, BHE की आई, भिकी। और हमारे शास्त्रों में भी जो फ्रॉग है, मेंढक है, ये सूर्य को दिखाता है और होराइजन को दिखाता है, जहां होराइजन मिलते हैं दो ऊपर, उन्हें दिखाता है। लेकिन ओरिएंट के कल्चर में, चाइना, जापान
और मंगोलिया, कोरिया, इन देशों के अंदर फैंग शुई जो उनका एक कल्ट है, फैंग शुई के अंदर जो फ्रॉग है, मेंढक है, ये धन का देवता है। फैंग शुई का सिंबल है कि मेंढक देवता, जिसे लोग घर में रखते हैं और ये बहुत सा पैसा देता है, दौलत देता है। तो सुन रहे हैं आप, ये तीन बदरुएं मुंह से निकलती हैं। फ्रॉग देवता किसके मुंह से निकलता है? ड्रैगन के मुंह से, जंतु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से। ड्रैगन जो सांप है, प्रकाशित वाक्य 12 में, एनचांटर है, मेस्मराइज करता है लोगों को, मोहित करता है, हिप्नोटाइज करता है। इसके 7 सर हैं, 10 सिंग हैं। फिर जो जंतु है, बीस्ट, 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य की पहली 3 आयतों में, उसके भी 7 सिर हैं, 10 हॉर्न हैं, सिंह हैं। ये 10 राजे हैं जो अभी आने वाले हैं, इमर्ज होंगे मेडिटेरेनियन रीजन के अंदर, यूरोप और पार्टली मुस्लिम किंगडम, इन दोनों के मिलाप में से ये 10 राजे निकलेंगे। वो जो मूर्ति है भाई और बहनों, मूर्ति की जो टांगे हैं नीचे, वो लोहे की हैं, लेकिन जो पांव हैं वो मिट्टी के और लोहे के, क्ले के और आयरन के मिक्स हैं, लेकिन वो आपस में मिलते नहीं हैं, टूट जाते हैं। उनकी जो 10 टोज हैं, 10 उंगलियां हैं, वो ये 10 राजे हैं। ये एंटी क्राइस्ट के समय प्रकट होंगे, अभी उनकी जगह बनती जा रही है। दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के अंदर, दानियल 7 में, प्रकाशित वाक्य 13 और 12 में ड्रैगन है। ये 10 जो हॉर्न है, सिंह है, ये अधिकार को दिखाते हैं। 10 राज्य जो यूरोप से और मिडल ईस्ट से निकल के आएंगे, और मैं बता सकता हूं आपको कौन कौन से हैं, क्योंकि ये हमारे सामने ऑब्वियसली प्रकट होते जा रहे हैं। तो ये आत्माएं मुंह के अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं। ये गंदी बदरुएं हैं, फ्रॉग स्पिरिट्स, इन तीनों के मुंह के अंदर जाती हैं और बाहर आती है। आपको मालूम एंटी क्राइस्ट के लिए खास बात दानियल नबी ने क्या लिखी है? दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय के 8 वचन में दानियल लिखता है कि वो जो एंटी क्राइस्ट है, छोटा सिंह जो बीच में से निकलता है, वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है और वो यहोवा परमेश्वर के खिलाफ ब्लेस्फीमस शब्द बोलता है, बड़ी अहंकार की बातें सृष्टि के रचिता परमेश्वर के विरुद्ध में बोलता है, ब्लैस्फेमी बोलता है। दानियल 7 की 8 में लिखा, अगेंस्ट गॉड। और प्रकाशित वाक्य 13 का 5 में आपके लिए पढ़ देता हूं, सुने ध्यान से। प्रकाशित वाक्य 13 के 5 में क्या लिखा? एंड देयर वाज गिवन अनटू हिम ए माउथ, यहोवा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी और उसे एक मुंह दिया गया, बड़ा मुंह, स्पीकिंग ग्रेट थिंग्स एंड ब्लैस्फेमीज, वो बड़ी बड़ी कुफर की बातें, वो बड़ी बड़ी परमेश्वर के विरोध की बातें, जीवते परमेश्वर के विरोध की बातें बोलता है। एंड पावर वाज गिवन अनटू हिम टू कंटिन्यू 42 मंथ, वो 42 महीने, 3.5 साल तक यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में बोलता है अहंकार की बड़ी बड़ी बातें। एक पुस्तक है 1275 में आर्च बिशप ने लिखी है, एक पुस्तक, पुस्तक का नाम है लाइव्स ऑफ सेंट्स, जेकब डे वोरेगन, आर्च बिशप ऑफ गिनोआ, वॉल्यूम नंबर 6 ये पुस्तक है। इसके अंदर बिशप क्या लिखता है? इसके अंदर बिशप लिखता है कि नीरो राजा इतना वैशी हो गया कि वो अपनी मां को मारना चाहता था, अपनी मां को इसलिए मारना चाहता था कि उसने मुझे जन्म दिया है। तो कुछ जादूगर, ऑकल्टिस्ट, विच डॉक्टर, सॉर्चरर्स और कुछ फिजिशियन डॉक्टर मिले और उन्होंने योजना बनाई कि नीरो को हमें रोकना चाहिए अपनी माँ का कत्ल करने से। तो उन्होंने नीरो को क्या बोला कि तेरी माँ ने अपने पेट में तुझे रखा और 9 महीने पीड़ा सही है, इसलिए तुझे तेरी माँ का मारना ठीक नहीं होगा। तो उसने बोला, अच्छा मैं अपनी माँ को तब मारूंगा, मैं भी वो पीड़ा महसूस करना चाहता हूँ। तो उसने अपने फिजिशियन और विच डॉक्टर को बोला कि मुझे भी प्रेग्नेंट बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेंढक उसके मुंह में डाला, इंजेस्ट किया उसने, और मेंढक उसके पेट के अंदर चला गया और वो मेंढक ग्रो करने लगा, बड़ा हुआ। जब वो बहुत बड़ा हो गया उसके मुंह के अंदर मेंढक, तो वो उसे बहुत कष्ट देने लगा और वो डॉक्टरों को मारना चाहता था, विच डॉक्टरों को। तो उन्होंने किसी रीति से कोई ऐसे मेडिसिन दे के
उस मेंढक को बाहर निकाला। वो मेंढक बहुत भयानक था देखने में, कुरूप था, लेकिन नीरो ने क्या किया, ये जो लाइव्स ऑफ सेंट्स पुस्तक है जेकब डी वोरेजिन, ये आपको मिल जाएगी, आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं पुस्तक। इसमें लिखा है कि उसने जब वो मेंढक निकला, वॉमिट किया, तो उसने कहा ये जो मेंढक है मेरी औलाद है, मेरे राज्य का वारिस ये होगा। तो उसने एयर वेसल का बनवाया उसके लिए, एयर वेसल का, एक मंदिर की तरह जगह बनवाई। तो उसने मेंढक को मुंह में रखा और मुंह से बाहर निकाला। ये 68 AD से पहले की बात है। और आपको मालूम 68 AD के अंदर नीरो मर गया। और प्रकाशित वाक्य प्रभु के श्रेष्ठ दास यूहन्ना ने 95 AD में लिखा। लगभग 26-27 साल का फासला है। तो ये जो कहानी थी कि नीरो ने मेंढक को मुंह में रखा, मेंढक को जन्म दिया, मेंढक उसके मुंह में गया, मेंढक बाहर निकला, ये कहानी पूरे रोम में, पूरे इसराइल में फैल चुकी थी। ऑब्वियसली ये कहानी यूहन्ना ने भी सुनी कि मेंढक का मुंह से बाहर आना। दुष्ट शासक नीरो, जो शैतान का स्वरूप है, उसके मुंह से मेंढक बाहर आया। तो मैंने आपको बताया कि नीरो मर गया, नीरो के बाद डोमिशियन उठा, वो नीरो से भी ज्यादा भयंकर था। नीरो वो शैतानी आत्मा ट्रांसफर कर गया डोमिशियन के ऊपर। हालेलुया। और डोमिशियन ने योन्ना को भेज दिया काले पानी। तो योन्ना ने कहानी सुनी, मेंढक का अंदर जाना और बाहर आना। मैं ये नहीं कह रहा कि योन्ना ने वो कहानियां लिखी, लेकिन योन्ना को पवित्र आत्मा ने वो चीज दिखाई कि कैसे ड्रैगन के मुंह से, एंटीक्राइस्ट के मुंह से और बीस्ट के मुंह से, शैतान, ये तीन गंदी बदरुएं निकलेंगी और ये यहोवा को कर्स करती हैं। बदरुए परमेश्वर के लोगों को, अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13 का, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, 5 वचन मैंने पढ़ दिया, 6ठा वचन पढ़ता हूं। ही ओपन हिज माउथ इन ब्लैस्फेमीज अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के विरुद्ध कुफर बकने लगा वो, और आगे लिखा टू ब्लैस्फेम हिज नेम, यहोवा के पवित्र नाम को दूषित करने लगा, एंड हिज टैबरनेकल, और यहोवा के मंदिर को भी अपवित्र दूषित करने लगा गंदे शब्दों से, एंड देम दैट ड्वेल इन हेवन, और जो स्वर्ग में बसते हैं उनको श्राप देने लगा। कौन स्वर्ग में बसते हैं? एलिसिया, जलाली संत जो ऊपर उठा लिए गए, वो उनके विरुद्ध भी गंदी बातें बोलता है। शैतान कर्स करता है यहोवा के लोगों को, शैतान जलता है यहोवा के पवित्र संतों से। ये मेंढक की गंदी रूहें परमेश्वर के लोगों पे श्राप लाती है। मैंने खुद देखा अपने तजर्बे में मेंढकों को करीब से। मेंढक व्यक्ति के संग लड़ाई करता है, अगर आप मेंढक को ठुड्डा मारोगे, मेंढक अपना गला यूं फैला के आपके विरुद्ध आता है। मैंने ऐसे फील किया, मेंढक आपको कर्ज करता है, आपको श्राप देता है, गंदी रूह है मेंढक की, गंदी बदरू। मेंढक फ्रॉग गंदे पानी में रहता है, गंदे गंदले पानियों के अंदर रहता है, डीमन है, बदरू है। पवित्र आत्मा जीवन का जल है, यूहन्ना 7 अध्याय का 37-38 और 39, जिंदगी के जल का स्वच्छ अति उत्तम और परिशुद्ध सोता है पवित्र आत्मा। बदरू गंदा पानी है, फ्रॉग की गंदी रूह गंदे पानी में रहती है। और आपको मालूम मेंढक रात के समय गंदी आवाजें निकालते हैं, टर 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 ऐसे भी बोलते हैं और सोने नहीं देते। बदरुएं रात को निकलती हैं, मेंढक दिन में नहीं दिखाई देता, ऐसे बदरुएं रात को काम करती हैं। हालेलुया। और मैंने बोला मेंढक आपसे बदला लेता है अगर आप मेंढक को दबाने की कोशिश करते हैं, आपको कर्स करती है ये गंदी रूह, आपसे बदला लेने के लिए आती है। फिल्दी गंदे जीवन गंदे वातावरण में रहती हैं ये बदरुएं, रोशनी में बाहर नहीं निकलती, अंधेरे में स्लेंडर करती है, आपके विरुद्ध बोलती है, जो आपके एक धर्मी जन के पवित्र संत के विरुद्ध गलत बातें बोलता है। अगर वो संत गलत काम कर रहा है, गलत सेवकाई है, गलत ढंग से प्रचार कर रहा है, गलत ढंग से लोगों को ठग रहा है,
तो उसको एक्सपोज करना जरूरी है। लेकिन यदि वो परमेश्वर के पवित्र धर्मी जन के खिलाफ बोलता है तो मेंढक की बदबू है जो सिलेंडर करती है। मेंढक हमेशा चीज को छिपाता है, जल्दी से छिप जाता है मेंढक। हालेलुया। तो मेंढक की ये गंदी आत्माएं, गंदी रूह निकल के आ रही है। हालेलुया। गंदी आत्माएं, गंदी रूहें ये प्रकाशित वाक्य में निकल के आ रही है भाइयों बहनों। हालेलुया। लेकिन हम इन गंदी बदरुओं पे सिलेंडर की वो आत्माएं जो दिन में छिप जाती हैं रात को प्रकट होती हैं, वो आत्माएं जो गंदे पानियों के अंदर वास करती हैं, वो आत्माएं जो दुर्गंध में रहती हैं, ये है पाप भाइयों बहनों। व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, शरीर के काम, यह है मेंढक की रूह। हम इनके ऊपर जयवंत है। हम वो लोग हैं जो जिंदगी के जल के स्वच्छ चश्मों में से आबे हयात जीवन का पानी पीते हैं। चश्मे लहू से मुझको नहलाकर आबे हयात से मुझको पिलाकर शाद किया दिल दुखी जो मेरा, शाद किया दिल दुखी जो मेरा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा है, चार दिन का या रैन बसेरा, मैं हूं यीशु का, यीशु है मेरा। प्यारे खुदावंत तेरे लोगों को बरकत दे, एक एक जन को तेरे खून में छिपाता हूं। सब मिलके मेरी माँ के लिए, लीला देवी के लिए भी प्रार्थना करें। थोड़ा अस्वस्थ हैं, प्रभु ने कृपा की उनपे। प्रभु मैं लीला देवी मेरी माता को भी तेरे लहू में छिपाता हूँ। एक एक जन जिसकी किसी की भी कोई प्रार्थना विनती है, हृदय में कोई बोझ है, कोई दर्द है प्रभु जी, कोई पीड़ा है, यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए। प्रभु उनकी याचना को सुनना, अनकही को भी सुनने वाले जीवित परमेश्वर है। आपका खून प्रभु जी मैं एक एक जन पे जो ऑनलाइन है यीशु के नाम में छिड़क देता हूँ। बरकत दीजिए यीशु के जलाली नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। जय मसीह। कुछ विधवा स्त्रियों की सहायता करनी है, परमेश्वर आपके हृदय में डाले तो अवश्य बीज बोइएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।